कुछ बोलो मैं बोलो, मेरे को कुछ बोलने को आता नहीं, तुम लोग सब समझदार है, तुम लोग सब बड़े लोग है, भेजा है तुम लोग के अंदर कि बाबा क्या बोलता है, जो आई माँ बोलता है घर पे वही बाबा बोलता है। माँ ने क्या सिखाया तुम लोग को, क्या सिखाया, सिखाया ना अच्छी चीजें, बराबर ना, विसर लगा देना विसराचे, माँ जो बोलती है वही सब बातें बाबा की भी होती है। माध्यम मुझे बना के इन लोग यहाँ पर बुलाया, मेरे जरिए बाबा की बातें कोशिश की कि लोग समझे, फुर्सत है नहीं किसी के पास समझने के लिए, प्रॉब्लम ये है टाइम नहीं है, ट्रेन के अंदर सफ़र करेंगे तो मालूम पड़ेगा, यहाँ बैठ के एसी के अंदर बोलने को अच्छा लगता है, मगर ऑफिस आते आते कितना दम निकलता है उन लोगों को मालूम है जो ट्रेन में आते, जो अपना ट्रैफिक चीर कर गाड़ी से आते, ऑटो से आते, अवगढ़ मतलब बहुत मचमच है, बहुत लफड़ा है लाइफ के अंदर, उसके अंदर थोड़ी सी बातें अगर है, अगर माँ की बातें जो है वो भूल गए, या तो माँ को संभालने के लिए पैसा कमाना है और घर संभालने के लिए पैसा कमाना है, उसमें भाग दौड़ है, मगर उसमें थोड़ी अच्छाइयाँ जो होती है वो इंसान की वो तो नहीं जानी चाहिए भाई, थोड़ा सा घर से निकले नाश्ता हाथ में, चलो कुछ रह गया पाँव मस्का रह गया गाड़ी में रख दी या अपने हाथ में रख दिया, कोई बच्चा दिख गया सिग्नल पे पैसा लाई वो बाजू वाले भी जाएगा खाना डाल देने का, नाश्ता लेके घूमो, उतना ही किया तो बहुत हो गया, उतना करके देखने का, जो भी अपने घर में रोटी परोटा उसका मिसल काय तरीका है, वड़ा पाव काय तरीका है, थोड़ा भी बच्चा उन लोग खाएंगे सिग्नल पे, वो लेके भी घुमा तो सब बाबा, खाली बाबा ही बाबा, साईनाथ नहीं सब बाबा है, सबके अंदर बाबा छुपेला है, मगर इतना छुप गए कि उसको निकलने को ही नहीं दे रहे। मुझे लेकर आप तक पहुंचाया, मेरी आवाज को पहुंचाया, बाबा का आप जो थॉट है वो पहुंचाया, और उसके लिए आप लोगों का शुक्र गुजार हूँ, और कुछ समझ गया तो ठीक है, नहीं समझा तो समझे अपने लोग है। बच्चा था दो चीज बोलता है कब्रस्तान में या स्मशान में, दो चीजें बोली जाती है, अच्छा अच्छा था गया, अच्छा हुआ गया, बस ये दो आइटम है, उसके बाद में तेरा गेम सेट है, सोचेगा भी नहीं, घर तक पहुंचने तक दूसरे कपड़े से वे शुरू हो जाएंगे, समझा, इसीलिए बीच में जितना गेम खेल सकता है छोटा सा बाल। एक ही संदेश जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि प्रे, साईं बाबा हमेशा यही कहते थे, साईनाथ हमेशा कहते रहे कि ना मैं हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, मैं बस एक इंसान हूँ, और वो इंसान होने का जो सबसे बड़ा वो जो है, अगर हम लोग एक बेहतर इंसान बन पाए, मेरे ख्याल से पूरा समाज, पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व जो है वो एक बहुत सुंदर जगह हो जाएगी, बहुत सुंदर वसुंधरा हो जाएगी रहने के लिए, अगर हम एक भले इंसान बन पाए। और वही मैसेज जो है साईनाथ के थ्रू मैं अपने रेडियो लिसनर्स और बाकी समाज को देना चाहूँगा। वह कुछ नहीं, मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ का एक जो झाड़ है जहाँ पे बाबा बैठते थे उसको कॉर्डन कर दिए उन्होंने, कोशिश करता हूँ कि वहाँ जाके पहले वहाँ की मिट्टी उठा लूँ या तो वहाँ टच कर लूँ, बहुत हो गया, बहुत तो सब जगह है अंदर देखेंगे तो है, वो तो स्थान था बाबा बैठा हुआ था, और भी जगह पर गए हैं बाबा, और भी जगहों पर गया बाबा, हमेशा जहाँ देखना है वहाँ दिख जाएगा, स्वयं भीतर देखने वाले के ऊपर है बाबा, हर प्रोजेक्ट के लिए जब आप कोई नया चीज करते हैं तो एक कास्टिंग के लिए कुछ सोचना पड़ता है, आप ये देखते हैं कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन कैसा वो कर रहा है, लेकिन जब मैंने साईनाथ करने की सोची तो मैंने एक्टर नहीं ढूंढा, मैंने एक इंसान ढूंढा जो साई के सबसे करीब हो। अगर आप जैकी दादा के इंटरव्यूज़ देखे हैं जो पुराने टीवी पे आए हैं तो आपको लगेगा कि ये इंसान जो जिसने इतना स्टारडम देखा है, जिसने मतलब जो हिट पे हिट मूवीज दे चुका है, लेकिन ये एक्चुअली में एक फकीर है,
और वो मुझे चाहिए था इसके लिए। तो जैकी श्रॉफ से अच्छा कोई मैच मुझे नहीं लगता साई बाबा को प्ले करने के लिए हो सकता है, बिकॉज ही लिव्स दैट लाइफ। ये साई बाबा की जिंदगी जीते हैं, उनको मानना अलग बात है, लेकिन वो जीते हैं उस जिंदगी को, तो इसीलिए जैकी श्रॉफ।